अमरपुर थाना क्षेत्र के गदाल गांव में जमीनी विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर विपक्षी पार्टियों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में ग्रामीण समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जख्मी सीओ स्वाति कृष्णा, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, प्रशिक्षु दरोगा बिसुनदेव कुमार, ग्रामीण लखनलाल यादव, अधिकलाल यादव, अनिरुद्ध यादव, रामवृक्ष यादव, सहदेव यादव, नकुल राय, चंद्रा देवी, सुनीता देवी एवं शिवनारायण राय का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में डॉक्टर ज्योति भारती द्वारा किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गदाल गांव के महेंद्र यादव एवं सहदेव राय के बीच 12 बीघा जमीन को लेकर बरसों से विवाद चल रहा था। बांका न्यायालय के द्वारा महेंद्र यादव के पक्ष में फैसला दिया गया। इसी को लेकर सीओ एवं थानाध्यक्ष गदाल गांव पहुंचे थे, तभी अचानक विपक्षी पार्टी सहदेव राय ने 3 दर्जन लोगों के साथ हमला कर दिया। हमलावरों ने 7 राउंड हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान हमलावरों ने सीओ के वाहन एवं पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए आग के हवाले करने का प्रयास किया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर बांका SDM मनोज कुमार चौधरी, SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, सर्किल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव, बांका इंस्पेक्टर शंभू यादव, शंभूगंज थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बहाल करते हुए मामले में संलिप्त 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ से पहले मतलब जमीनी विवाद शुरू से है, बहुत पहले से। उसके बाद हम लोग के उधर से टोटल कागज पत्र सब मिल गया, कोर्ट से फैसला मिल गया, तो हम लोग ऐसे एटेंडम नहीं चाह रहे थे करने के लिए। उसके बाद प्रशासन बुलाए, उसके बाद प्रशासन आया, तो हम लोग जैसे आया प्रशासन गाड़ी गया खेत, वहाँ से वो लोग अपना हमला शुरू कर दिया। इधर से पहले तो प्रशासन ने हमला किया, अचानक हमला कर दिया। कितना लोग था हमला करने वाला? हमला करने वाला वो बहुत जितना फायरिंग भी सुनने की बात आई कि फायरिंग भी किया है। क्या गोली फायर किया? 6 फायरिंग किया। घटना क्या घटी यहाँ पे? घटना अभी पुलिस प्रशासन आया था जमीन जोतवाने के लिए। 3 साल पहले मारपीट हुआ था, वो लोग मार किया कि जमीन मेरा है, लेकिन पुलिस आया था। ये जमीन किसका किस में विवाद था? ये था जमीन विवाद महेंद्र यादव में, वो 5 भाई है जी, और इधर जगदीश राय के बेटा है वो सहदेव राय जी जी, उसमें विवाद था। तो कोर्ट जो फैसला दिया किसके हक में? इसके हक में कोर्ट फैसला दिया। किसके? महेंद्र यादव के हक में। ठीक, तो कोर्ट ने प्रशासन को बोला गया कि इसको खेत जोतवा दीजिए। ठीक, तो प्रशासन आए यहाँ पे और सदर ने बैठा, फिर ट्रैक्टर आए ना, जैसे खेत जोतने लगा वो लोग ईंट पत्थर उधर चलाना, तलवार वगैरह कुछ भी चलाना, वो सब एकदम एक बाइक हमला कर दिया। हम लोग तो बोले पुलिस है, फायरिंग भी हुआ है यहाँ? फायरिंग हुआ है, 7 फायरिंग हुआ है। 7 फायरिंग हुआ है, वो फायरिंग। इसमें जख्मी थाना अध्यक्ष भी है? थाना अध्यक्ष जख्मी, सीओ भी जख्मी है? सीओ को चोट लगा है, जख्मी तो नहीं है। और ये मतलब गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया गया? गाड़ी में पेट्रोल डाल के लाया था आग लगाने के लिए, पुलिस वाहन में। पुलिस वाहन में सीओ का गाड़ी भी फोड़ दिया गया? हाँ, सीओ गाड़ी फोड़ दिया गया। शुक्रवार की देर रात गहरी नींद में सोई महिला के साथ बलात्कार की कोशिश और बवाल के बाद आज फिर उसकी नाबालिग बच्ची से बलात्कार की कोशिश में असफल होने से युवती पर खंती से हमला करने के बाद उसकी मां और दादी के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। जख्मी युवती अपनी मां और दीदी के साथ महिला थाना पहुंची। घटना बांका जिला के सदर अनुमंडल स्थित बांका थाना के बिंदी की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिंदी निवासी अरविंद मंडल की पत्नी अपने परिवार के साथ शुक्रवार को घर में सोई थी। इसी बीच देर रात गांव का ही सुखो मंडल सहित 3 लोग घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश की, लेकिन विरोध के बाद 3 लोग भाग गए और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। लेकिन आज फिर सुखो मंडल समेत कुछ लोग घर में घुसकर जबरदस्ती करने लगे, जिसका विरोध घर में मौजूद युवती और उसकी मां की ओर से किया गया, जिसको लेकर सुखो मंडल ने युवती सहित उसकी मां और दादी की पिटाई की। अब युवती अपनी मां के साथ महिला थाना पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए न्याय की मांग कर रही है। इस बार हम इंटर पास किए हैं 1st Division कॉमर्स से, लॉकडाउन से ही सुखो मंडल आया है और परसों रात में 12:30 बजे ढूक करके मेरी माँ के साथ को जबरदस्ती करने का कोशिश किया। वो बस लुंगी पहना था, गंजी नहीं पहना था, सारी मच्छरदानी उघाड़ करके खाट पे लात धर के मेरी माँ के साथ वो जबरदस्ती करने का कोशिश किया। उसके बाद झगड़ा उगड़ा पूरा हुआ, गाली गलौज हुआ, हम सब रात में लाठी और टेंगारी लेके उसके घर पे गए, उसको 10 मिनट तक गाली दिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, घर से नहीं निकला। उसका बाद जो भी लोग था, पंचायत समिति सब था, जो गांव घर का आदमी था, उस सब फैसला किया क्या क्रिया खिला देते हैं काली थान में, उसके बाद बात खत्म कर दिया। उसके बाद आज
क्या बोलते हैं सुखो मंडल, मुन्नी मंडल और तारे मंडल की दो बेटी लीलम देवी और छोटी कुमारी और भगवान मंडल, ये सब मेरे साथ, हम सबको मारा, मेरी माँ को, हमको और मेरी चाची को, मेरी दोनों बहन को, मेरे घर में एक भी जेंट्स नहीं है, हम सब लेडीज रहते हैं। किस बात को लेकर लड़ाई पीट है? लड़ाई पीट था इसी बात लेकर सर, क्योंकि वो हम सबके साथ वो जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था घर ढुक के, वही हम सब नहीं दिए करने के लिए, इसलिए मारपीट हम लोग के साथ किया। किसको किसको मारा है? हमको मारा, मेरी माँ को, दादी को, चाची को, दो मेरी छोटी छोटी बहन को मारा है। कौन गांव का मामला है ये? ये बिंडी गांव का मामला है। पिताजी नौकरी करते हैं, डलिया डोता है, कमाई करता है, और यहीं पे बके में नहीं, हरियाणा में। 12 बजे रात का घर ढुक ले, हमारा जी ना होलिए, हमारा खटिया चढ़ी गले, मुसहरी उठाए दल के, सुखो मंडल ना, अमुन्नी मंडल और भगवान मंडल सब न मिली, हमारा राजी कर खोजल का मसर राजी नहीं होलिए, तीन जनानी हमरा से छिया सब न मिली, तखनी मार ल छे। तोर परिवार सब कहां रह जाओ? हरियाणा में रह जा, डेली ढोचे तब खा जे, ना ढोता त ना खाते। घर कहां होलो? घर हमरा बिंडिया होलो, मैं सब दोनों माई बेटी से की मार रहा जे त दशा हमरा। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के बलकित्ता गांव में एक घर में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, साथ ही नकदी सहित बर्तन, कपड़ा, अनाज जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों द्वारा अग्निशमक को सूचना दिया गया, साथ ही थाने को भी सूचना दी गई, प्रखंड के BDO और CO को भी सूचना दिया गया, लेकिन सूचना मिलने तक कोई अधिकारी व अग्निशमन यंत्र नहीं पहुंचा था, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अब पीड़ित भैरव कापरी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रखंड के BDO CO कोई सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। बांका जिला के खेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत डलवा मोड़ शंभुगंज सड़क पर 56 पुल के पार शनिवार की संध्या विपरीत दिशा से आ रहे एक टोटो एवं बाइक की सीधी भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, साथ ही एक युवक भी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए बांका रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के साथ ही खेसर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की पहल पर फुल्ली डुमर अस्पताल लाया गया, जहां नीतीश कुमार पाठक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरे सवार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया। इधर टोटो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। सादपुर के दो घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। गृह स्वामी के परिवार की अनुपस्थिति में चोरों ने एक घर से खोज कर जेवर एवं नगद रुपये उड़ा लिए, जबकि दूसरे घर में जेवर नहीं मिलने पर छोटे बक्से एवं एक VIP को घर के पिछवाड़े के बहियार में छोड़ दिया। उस घर में जेवर की खोज में ट्रंक के सामानों को इधर उधर फेंक दिया। दूसरी घटना उसी रात बंटी शर्मा के घर हुई, जहां चोरों को कुछ जेवर एवं नगद राशि हाथ लगी। इस संबंध में पीड़ित गृह स्वामी ब्रह्मदेव ठाकुर ने बताया कि छप्पर पर से चोर अंदर आया, घर में जेवर नहीं थे। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी देने के बावजूद पुलिस जांच करने नहीं आती है, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को सूचित करना ही छोड़ दिया है।